हेलो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पाताल सीरीज में हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन आएगा, हु वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आंसर इज एरिस्टोटल। इन्होंने कैसे बांटा था? इन्होंने बोला कि भाई बेसिकली क्या बोला कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के हिसाब से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर किया था, इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो अब आप पूछोगे कि भैया इसके बाद एनिमल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया? एनिमल्स को बोला गया एक है जिनके अंदर रेड ब्लड सेल है और एक के अंदर बोला रेड ब्लड सेल नहीं है। तो याद रखिएगा, जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स थे उनको क्या बोल दिया था इन्होंने? इन्होंने इनएमा बोला था, और जिनके पास नहीं थे उनको एनएमा बोला था। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। लीनियस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने, कार्लस लीनियस। डेफिनेटली आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं इनके नाम पे। अब जो आ जाता है सर, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हेकेल, हेकेल ने दिया था बेसिकली। और फोर किंगडम वॉज गिवन बाय कोपलैंड। ओके, फाइव किंगडम के बारे में बात करते हैं, आर एच विटेकर ने दिया था। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज जिससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं नीट में। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक आपको पता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड के साथ रिलेशन जब होते हैं इवोल्यूशनरी, तो उनको यहाँ पे फाइलोजेनेटिक लिखा गया है। राइट नाउ एंड प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। पांच किंगडम कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट का फीचर क्या हो जाता है? इनके पास क्या हो जाते हैं? याद करिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज एक्चुअली न्यूक्लियोइड, याद रहेगा। प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट। क्वेश्चन आएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन से किंगडम में रखे गए हैं? तो आंसर आ जाएगा प्रोटिस्टा। और एक दो क्वेश्चन और भी आते हैं, हम लोग आगे डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। आइए फंजाई के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। फंजाई यार मल्टी सेलुलर, ओके, लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और चाइटिनस सेल वॉल देखने को मिलता है फंजाई में। ओके, तो क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया फंजाई का ऑर्गेनाइजेशन कैसे, आप बोलोगे लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, चाइटिनस सेल वॉल सबको पता रहता है। थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, याद करिएगा, तीन डोमेन मतलब सिक्स किंगडम जब बढ़ जाता है तो वो किसने दिया था? कार्ल वूज ने दिया था, याद रख लीजिएगा। इसमें क्या हो गया? दो डोमेन, याद करिएगा, मोनेरा को दो डोमेन में बांट दिया गया था, एक है आर्किया और बैक्टीरिया, और एक को है अलग यूकारिया बोल दिया गया था, वो उसके अंदर सारे यूकारियोट थे। राइट, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसे सॉल्टी एरिया में रहते हैं उनको हैलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्श के अंदर, मार्श दलदली इलाके में मिथानोजेंस। मिथानोजेन जो है गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट, जो घास वास खाते हैं जो जानवर ना, बेसिकली रूमिनेंट, तो रूमेन जिनमें प्रेजेंट होता है, रूमिनेंट्स में मिलते हैं जैसे काउ, बफेलोज, तो इनके क्या हो जाता है, इनके गट के अंदर मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन। इनके डंग से, जो गोबर से क्या बनता है? मीथेन। मीथेन को मार्श गैस भी बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। नॉस्टॉक द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज हेट्रोसिस्ट। ओके, नॉस्टॉक का जो ड्रॉइंग दिया गया था आपको याद रखना है, वो उसमें जो साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज दैट इज योर हेट्रोसिस्ट। क्लियर? आई इक्वेशन आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइंस पे, कोलेरा, टिटनेस एंड सिट्रस कैंकर कॉज्ड, ओके, कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। कोलेरा बाय, ओके, कोलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरी, टिटनेस बाय क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनेस हो जाएगा, याद रख सकते हो, ज़ैंथोमोनेस सिट्री हो गया, या फिर अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। ओके नाउ बैक्टीरिया आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन। फिशन आपको समझ आ रहा है? डिविजन, नॉर्मली जो डिविजन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया इंक्लूड प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी बाई सेक्स पीली बन गया हो इनमें, सेक्स पीली उसके कारण हो सकता है। माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, माइकोप्लाज्मा का आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर कौन सा हो जाएगा? आउटर मोस्ट ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, क्योंकि इनके पास सेल वॉल एबसेंट होता है। राइट, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। वॉट डज दैट मीन? कि भाई अगर इनके पास ऑक्सीजन रहा तो भी सर्वाइव कर लेंगे, और नहीं रहा तो भी सर्वाइव कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आता है, पेनिसिलिन जो ड्रग है ना, पेनिसिलिन लेने से माइकोप्लाज्मा मर जाएगा अगर कोई को माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन हुआ है तो? ऑब्वियसली नहीं मरने वाला, क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल को जाके इनिबिट करता है, वो सेल वॉल का सिंथेसिस, और ये बोलते हैं हमारे पास तो वो है ही नहीं, अब क्या इनिबिट करने वाले हो? क्लियर हो गया, माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल दोनों को अफेक्ट करता है। आइए क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्ट के अंदर आ रहे। उससे पहले मैं आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड एक दो पॉइंट और बोल दे रहा हूँ, याद करिएगा। बैक्टीरिया के अंदर जो बेसिकली मोनेरा के अंदर हम लोग पढ़ते थे हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते थे, और हेटरोट्रॉप का एग्जाम्पल आ जाता है लैक्टो, याद आ रहा है, लैब,
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी उसको बोल देते हैं लैक्टोबैसिलस, वो हेटरोट्रॉप के अंदर आ जाता है। राइट, आइए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे क्राइसोफाइट इंक्लूड डायटम एंड क्या लिखा गया है, डेसमिड्स। डायटम एंड डेसमिड्स आप कमेंट में जरूर बताइएगा, गोल्डन एल्गी किसको बोलते हैं। डायटम्स में जो सेल वॉल हो जाते हैं, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं, सोप बॉक्स अपियरेंस आता है। क्वेश्चन आ सकता है सोप बॉक्स अपियरेंस आप डायटम करने वाले हो। डायटम जब मर जाते हैं तो उनका जो सेल वॉल है ना वो छूट जाता है वहां पर, और सेल वॉल के अंदर इनका सिलिका रहता है, इम्प्रेगनेटेड विद सिलिका, जो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है, तो वो एक पहाड़ जैसा अंदर छोटा छोटा पाइल में जमा होने लग जाता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं डाइएटमोशियस अर्थ। एक्चुअली इसका बहुत ज्यादा काम है, कहीं कहीं पॉलिशिंग इंडस्ट्री में आ गया, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप हो गया, ओके ये सब आप याद रख सकते हो, या फिर इंसुलेटर के जैसा भी काम कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। ओके, डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है नीट में, भाई इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए, सारे लाइन से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। क्वेश्चन आएगा डाइनोफ्लैजेलेट कहाँ पे मिलते हैं, मरीन में। दे आर मोस्टली मरीन, ऑलवेज नहीं लिखा है, मोस्टली मरीन लिखा है, याद रखेगा। रेड डाइनोफ्लैजेलेट एग्जाम्पल गोनेलैक्स, ये इसके कारण सी है ना रेड हो जाता, अपियर करते हैं एकदम रेड रेड कलर का, और ये रेड टाइड बोलते हैं, ठीक है याद रख लीजिएगा, रेड टाइड्स। इसके कारण क्या होता है, जो मरीन एनिमल है वो मर जाते हैं, टॉक्सिन इतना रिलीज होता है इनसे। इनफैक्ट डाइएटम अगर किसी फिश के अंदर जमा होने लग जाए और फिश को इंसान कंज्यूम करे तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई यूग्लिनॉइड आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर है, मरीन नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेश वाटर है, ठीक है, दे आर नॉट मरीन, यहाँ पे मरीन नहीं लिखा है, यूग्लिनॉइड कहाँ पे लिखा है, फ्रेश वाटर। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, रनिंग वाटर में नहीं मिलता, स्टेगनेंट रुका हुआ पानी, राइट। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास पेलिकल होता है, तो सेल वॉल नहीं है इनके पास, इनके पास प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल। अब एक बात बताओ, सेल वॉल रिजिडिटी दे रहा था, प्रोटीन रिच लेयर क्या देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी। दे आर फोटोसिंथेटिक बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट बिहेव एज हेटरोट्रॉप। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं बट जब सनलाइट एब्सेंट होता है तो ये बोलते हैं यार अब क्या करें, कैसे अपना खाना बनाए, तो ये हेटरोट्रॉप की जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं, दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स कैसे हो जाते हैं, सैप्रोफाइटिक हो जाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर सर्वाइव करने वाले। अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ओके लिख लीजिएगा, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ जाता है, इनके जो स्पोर होते हैं उनके पास ट्रू सेल वॉल होते हैं, ठीक है ये चीज याद रखिएगा। देर आर फोर मेजर, देखो ओनली नहीं है, दीज आर द फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन, दे आर लाइक अमीबॉइड, फ्लैजेलेट, ओके और कौन है, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। स्लीपिंग सिकनेस आपको याद है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन, याद रख लीजिएगा। नाउ फंगल बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक हाइफा, तो ये हाइफे के इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफा, दैट मे बी सेप्टेट और यूनि न्यूक्लिएट, ऑब्वियसली मल्टी न्यूक्लिएटेड जैसे सिनोसाइटिक लिखा है, या फिर यूनि न्यूक्लिएट हो सकता है। फंजाई जो है वो सिम्बायोन्ट की तरह भी रह सकते हैं, सिम्बायोन्ट मतलब मिलजुल के काम करने वाला, जैसे आपने क्या लिखा है यहाँ पे, विथ एल्गी एज लाइकेंस एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। क्वेश्चन आ जाता है पाइनस में जर्मिनेशन के लिए कौन चाहिए, भाई आंसर आ जाएगा माइकोराइजा चाहिएगा, ये एमसीक्यू आया हुआ है। और साइकस के पास कोरालॉइड रूट्स हो जाता है, साइकस में कोरालॉइड रूट्स होते हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। और माइकोराइजा पाइनस से रिलेटेड आ जाते हैं, माइकोराइजा में है क्या, फंजाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स, क्लियर ओके। और आपके यहाँ लाइकेन लिखा है, लाइकेन ऑल्सो एक्ट एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर, लाइके में एल्गी दिख रहा है और कौन दिख रहा है, फंजाई दिख रहा है, तो एल्गी क्या करेगा, ऑटोट्रॉप जैसे काम करेगा, फंजाई बोलते हैं आओ मैं जगह दे रहा हूँ रहने का, सब कुछ दे रहा हूँ तुम्हें, तुम खाना बनाओ जल्दी जल्दी ओके। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। फंजाई ग्रोइंग ऑन कैटल डंग, गोबर के ऊपर या फिर डंग के ऊपर रहे हैं तो इनको कॉर्प्रोफिलस बोला जाता है, इनको बोलते हैं हमें गोबर से प्यार है तो फिलस, याद रखिएगा फिला ओके। फिलिया और फोबिया, फिलिया मतलब भाई एफिनिटी आ रही है, फोबिया मतलब डर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग मॉलिक्यूल और हाइड्रोफोबिक वाटर से डरने वाले, राइट। फंजाई असेक्सुअली रिप्रोड्यूस थ्रू जूस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, उडिया एंड ओइडिया के बाद है क्लामाइडोस्पोर्स, ये आपके पाताल वाले या पैलन वाले टेस्ट सीरीज में बहुत बार पूछा गया है, सो आई थॉट आपको पॉइंट्स कवर होने चाहिए बिकॉज नॉट एवरीवन हैज द एक्सेस ऑफ दोज काइंड ऑफ पेपर्स या फिर स्टेटमेंट्स, तो मैं इसीलिए यहाँ पे ले आया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड नियरली 68% बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है चैनल को, आपके पास अगर दो आइडिया तीन आइडिया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे कि हम ज्यादा रीच ले पाए, ठीक है। नाउ फंजाई प्रोड्यूसर सेक्सुअल स्पोर, याद रखिएगा सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलते हैं, मियोस्पोर तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई,
तो उसमें ऑप्शन में आपको एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर खोजना है, क्लियर। माइसिलियम इज अ सेप्टेट एंड सिनोसाइटिक एन क्या पूछा गया, फाइकोमाइसेटिस। अब आपको याद रखना पड़ेगा एसीपी, आप याद रख सकते हो एसीपी मतलब फाइकोमाइसिटिस में क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, माइसिलियम असेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक होता है, क्लियर। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। तो प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज हो रहा है उसको प्लाज्मोगैमी बोल रहे हैं, क्लियर। ओके, यहाँ पे आपको फंजाई से रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, डाइकारियन स्टेज। डाइकारियन स्टेज आपको दो क्लास ऑफ फंजाई में देखने को मिल जाता है, कौन कौन है, एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस, डी ए बी, ऐसे याद रखिएगा डाइकारियन के लिए ए और बी डैब, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस में बात कर लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर एंड अप्लैनोस्पोर्स। एल्ब्यूगो क्वेश्चन आएगा, विच वन इज अ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, आप आंसर करोगे एल्ब्यूगो, एंड म्यूकर बिलोंग टू द फाइकोमाइसिटिस ग्रुप ऑफ फंजाई, याद रहेगा। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई भी बोलते हैं, और एल्गल फंजाई किसको बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, एल्गल फंजाई। और अगर आपको नहीं पता तो कमेंट जरूर चेक करिएगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जरूर आंसर देने वाले हैं। असेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इन एस्कोमाइसिटिस, तो क्या मिलने वाले हैं भाई एस्कोमाइसिटिस में, कोनिडिया, ओके वेरी गुड। और क्या हो जा रहा है, एस्कोस्पोर्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एस्कोस्पोर्स जो हो जाते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो इंडोजिनसली अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और एस्कोस्पोर कैसे थे, सेक्सुअल स्पोर्स थे, क्लियर। अब क्वेश्चन आ जाते हैं एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एस्को के बारे में पूछा गया है तो न्यूरोस्पोरा आ जाएगा, न्यूरोस्पोरा क्रैसा अगर आपको याद आ रहा है, ओके याद आया क्या, किसने यूज किया था, बीडल टॉटम ने यूज किया था, ईस्ट मॉरल ट्रफल एंड क्लाविसेप्स। मॉरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज है, याद रख लीजिएगा, और क्लाविसेप्स, क्लाविसेप्स परप्यूरा से एलएसडी निकल सकता है क्या, यस। चलिए, इन बेसिडियोमाइसिटिस असेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, बेसिडियोमाइसिटिस में असेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो जनरली नहीं मिलते, बट इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फाइन, आप लोग पढ़ते हो ना कि फंजाई के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था ये वाला लाइन। बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्स ऑर्गन आर एबसेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, पूछा जाएगा इसमें कौन से क्लास ऑफ फंजाई में सेक्स ऑर्गन एबसेंट हो जा रहे हैं, ओके तो आंसर आ जाएगा बेसिडियोमाइसिटिस, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ दो वेजिटेटिव सेल, कोई भी दो वेजिटेटिव सेल फ्यूज हो गया तो उससे क्या आ जा रहे हैं, ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पा रहा है, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा बट सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है। बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनसली, याद करिए अभी अभी आपने एक पॉइंट कवर किया था, एस्कोस्पोर कैसे थे, इंडोजेनसली प्रोड्यूस थे, एस्कोस्पोर ध्यान दीजिएगा एंडोजेनसली थे, और जब हम लोग बेसिडियोस्पोर की बात करें तो बेसिडियोस्पोर कैसे आ जाएंगे, दे आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। पक्सिनिया अगेरिकस उस्टिलेगो, ओके बिलोंग टू द क्या लिखा गया यहाँ पे, बेसिडियोमाइसिटिस। इसके लिए भी बहुत लोग चीट कोड देखते हैं तो बापू याद रख लेते हैं, एपीयू है ना, ओके तो क्या क्या आ जाता है बापू के लिए, बेसिडियोमाइसिटिस में ए अगेरिकस आ गया, पक्सिनिया आ गया, और उस्टिलेगो आ गया, राइट। नाउ ड्यूट्रोमाइसिटिस को फंजा इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं बिकॉज इसमें सेक्सुअल स्टेज का पता ही नहीं है, याद रख लीजिएगा। और क्या आ जाता है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली इसमें सिर्फ असेक्सुअल देखने को मिलता है, आपका रिप्रोडक्शन असेक्सुअल देखने को मिलता है या फिर वेजिटेटिव। ड्यूट्रोमाइसिटिस में जो असेक्सुअल स्पोर होते हैं वो जनरली कोनिडिया हो जाते हैं, लिख लीजिएगा, ओके। इसके लिए एग्जाम्पल क्या बन जाता है, डी कैट, डी कैट या एक्ट भी लोग सकते हैं, तो कैट के अंदर कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा आ जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, ये बहुत बार क्या करते हैं, ये रिसाइक्लर के जैसे भी काम करते हैं, कोई चीज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। आइए, ब्लैडर वॉर्ट एंड वेनस फ्लाइट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट की एग्जाम्पल्स है। इंसेक्टिवोरस याद करिएगा नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इंसेक्ट को खा जाएंगे, राइट। कस्क्यूटा इज एन एक्टोपैरासाइट, ऑब्वियसली बाहर की तरफ एक्टोपैरासाइट हो जाएगा। वायरस नॉन सेलुलर हो जाते हैं, ऑब्वियसली उनको सेल नहीं बोला जा सकता है। आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ओके जब ये बाहर रहते हैं तो दे कैन बी क्रिस्टलाइज। अब इसको क्रिस्टलाइज किसने किया था, क्वेश्चन आता है, वायरस वॉज क्रिस्टलाइज बाय, आंसर आ जाएगा स्टैनली, स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। फाइन, द नेम वायरस दैट मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्तूर, पास्तूर ने नाम दिया था, ये इस बार न्यू एनसीईआरटी में एक जगह मिसिंग था, तो प्लीज राइट दैट डाउन, ठीक है। स्टैनली जी ने क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, करके दिखाया, बोला कि देखो क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, एंड क्रिस्टल में मैक्सिमम क्या मिले इनको, प्रोटीन मिले, लार्जली ऑफ प्रोटीन। इवानोस्की की बात करते हैं, इवानोस्की ने क्या बोला, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब एज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ
मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, टोबैको मोजेक डिजीज के लिए बोला कि भाई कुछ माइक्रोब है जो मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको कर रहे हैं। अब बेजरिंक ने क्या बोला कि भाई उन्होंने टोबैको प्लांट से वो फ्लूइड निकाला, फ्लूइड निकाल के बोला भाई ये तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये वायरस। तो इन्होंने क्या लाइन दिया, लिख लीजिएगा, इन्होंने वायरस को क्या बोला, उस फ्लूइड को बेसिकली कंटेजम विवम फ्लूडियम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। आइए नेक्स्ट करते हैं, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बोलते हैं हम अकेले जिंदा नहीं रहेंगे, किसी लिविंग सेल के अंदर जाएंगे तभी जिंदा रहेंगे, राइट। तो ये लिख लीजिएगा, इसको कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं किया जाता, इनके लिए जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो स्पेशल कल्चर मीडिया होती है। आइए इन जनरल एकदम स्पेशल, उसमें सेल लाइंस होते हैं बेसिकली, तो सेल्स तो चाहिएगा इनको ग्रो करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट द प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लाइक टोबैको मोजेक वायरसेस, एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल आर इधर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड क्या आरएनए और डीएस डीएनए। तो जनरली लिख लीजिएगा एनिमल से डीएनए वायरस होते हैं और प्लांट्स के लिए आरएनए, दो ये एकदम 100% ट्रू नहीं है। बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड, नॉट ऑलवेज, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज है जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये सब के बारे में सुना है। तो ऑब्वियसली डीएनए वायरस सारे नहीं है, मतलब बैक्टीरियोफेजेस जो है ना वो सारे के सारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं यूजुअली होते हैं, ठीक है। वायरोइड्स आर स्मॉलर देन वायरस, कंटेन ओनली आरएनए एंड कॉज पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इससे रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम आपको पता होगा, आई गेस, जल्दी से बता दीजिएगा क्या नाम आना चाहिए इनसे रिलेटेड, यहाँ पे नहीं दिया है क्या नाम, जल्दी से बता दीजिएगा। वायरोइड से डिनर का नाम था, लिख लीजिएगा डिनर। नाउ प्रायोन्स बोला गया, प्रायोन्स क्या हो जाते हैं, प्रायोन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो प्रायोन्स के अंदर कोई आपको आरएनए या डीएनए देखने को नहीं मिल रहा है, दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, स्मॉलर देन वायरस एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ क्रुत्सफेल जेकॉब डिजीज बीएसई, बोवाइन बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इनकेफेलोपैथी मैड काउ। कुरु भी अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा, कुरु किससे होता है, आप बोलोगे प्रायोन से। लाइकेंस में एल्गल कॉम्पोनेंट फाइकोबायंट बोलते हैं, और फंगल को एफएम याद रख लीजिएगा, फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज माइकोबायंट, क्लियर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाइट टेकर ने जो दिया था, विट टेकर ने, उसमें लेकेंस को लाइकेन हो गया, वायरस वायरोइड प्रायंस को जगह नहीं मिली, ये बोलते हैं भाई ओके फाइव किंगडम में थोड़ी सी दे जगह तो, बट इन्होंने जगह ही नहीं दी, लिख लीजिएगा। आई होप गाइस मैक्सिमम पॉइंट्स आपके कवर हो गए हो, देयर लॉट्स ऑफ अदर पॉइंट्स दैट नीड टू बी कवर्ड, विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस, जिसमें और एक दो वीडियोस होगी, आप इसका प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए मिस्टर मेडिको चैनल यूट्यूब पर। और अगर टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज मेरी कोई भी लाइव क्लास होती है या फिर कोई भी नोट्स होते हैं मैं वहां अपलोड कर देता हूँ, लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।